हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के बारे में। तो जितने भी अमीन्स रहेंगे उनको हम किस बेस पर क्लासिफाई करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इस पूरी वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी अमीन्स होंगे उन सभी अमीन्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि उन अमीन्स में नाइट्रोजन एटम के साथ किस तरह का हाइड्रोकार्बन पार्ट डायरेक्टली अटैच है। उस बेस पर जितने भी अमीन्स होंगे उन सभी अमीन्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो आर अमीन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो कौन कौन सी कैटेगरीज रहेंगी, वो फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे एलिफैटिक अमीन्स और सेकंड कैटेगरी में आएंगे एरोमेटिक अमीन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिफैटिक अमीन्स के बारे में। तो एलिफैटिक अमीन्स कौन से होंगे, एलिफैटिक अमीन्स आर दोज इन विच द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू वन और मोर सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो वो सभी अमीन्स जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे एक या एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स, वही रहेंगे एलिफैटिक अमीन्स। तो यहां पर हम एलिफैटिक अमीन्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। जितने भी एलिफैटिक अमीन्स होंगे उनको भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और हम डिवाइड करते हैं उनको थ्री कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे प्राइमरी अमीन्स, सेकंड कैटेगरीज में आएंगे सेकेंडरी अमीन्स और थर्ड कैटेगरी में रहेंगे टर्शरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन्स के लिए फॉर्मूला होगा आर एन एच टू या आर और उस नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे टू हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी प्राइमरी अमीन्स होंगे उन सभी प्राइमरी अमीन्स में नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होगा और सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स और टर्शरी अमीन्स में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे थ्री सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा टर्शरी अमीन्स के लिए और सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे टू अल्काइल ग्रुप्स और प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा केवल एक ही अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे प्राइमरी अमीन के लिए CH3NH2 और इस अमीन का नाम रहेगा मिथाइल अमीन, क्योंकि इस अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एक ही मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है और सेकेंडरी अमीन में भी हम अल्काइल ग्रुप लेंगे मिथाइल ग्रुप और उस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होंगे दो मिथाइल ग्रुप। तो इस अमीन का नाम रहेगा डाई मिथाइल अमीन। अगर किसी सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे जिसमें एक मिथाइल रहेगा और दूसरा अल्काइल ग्रुप रहेगा इथाइल ग्रुप और इस अमीन का नाम रहेगा इथाइल मिथाइल अमीन। और टर्शरी अमीन में हमें नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे और यहां पर हमने थ्री अल्काइल ग्रुप्स लिए हैं मिथाइल ग्रुप्स, तो इस टर्शरी अमीन का नाम रहेगा ट्राई मिथाइल अमीन। अगर यहां पर नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड हो थ्री इथाइल ग्रुप इस तरह से C2H5 और इस नाइट्रोजन के साथ भी इथाइल ग्रुप बॉन्डेड है तो इसका नाम रहेगा ट्राई इथाइल अमीन। तो स्टूडेंट, जितने भी एलिफैटिक अमीन्स हैं उन सभी एलिफैटिक अमीन्स को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। और प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ केवल एक ही अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होगा और सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे टू सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स
और टर्शियरी अमीन में हमें नाइट्रोजन एटम के साथ मिलेंगे थ्री सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। तो ये क्लासिफिकेशन था एलिफेटिक अमीन्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, अमीन्स की जो सेकंड कैटेगरी है वो है एरोमेटिक अमीन्स। तो एरोमेटिक अमीन्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? एरोमेटिक अमीन्स आर दोज इन विच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक अमीन्स। तो वो सभी अमीन्स जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एरोमेटिक रिंग, वही रहेंगे एरोमेटिक अमीन्स। तो जितने भी एरोमेटिक अमीन्स रहेंगे उनको हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी में आएगा एराइल अमीन्स और सेकेंड कैटेगरी में आएंगे अर अल्काइल अमीन्स। तो एराइल अमीन्स कौन से होंगे? जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे एरोमेटिक रिंग, और अर अल्काइल अमीन्स वो अमीन्स होंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे एरोमेटिक रिंग इनडायरेक्टली। जहां पर नाइट्रोजन एटम के साथ एरोमेटिक रिंग इनडायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो रहेगा अर अल्काइल अमीन, या हम कह सकते हैं वही अमीन्स अर अल्काइल अमीन्स रहेंगे जिसमें एरोमेटिक रिंग हमें मिलेगा अटैच टू एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम। तो वो सभी अमीन्स एर एल्काइल अमीन्स होंगे जिसमें एरोमेटिक रिंग उस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा जो उस नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड है, वही रहेंगे एर एल्काइल अमीन्स। अगर किसी अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होगा एरोमेटिक रिंग, वही रहेंगे एरोमेटिक अमीन्स। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन एटम के साथ अगर डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग तो ये रहेगा एराइल अमीन्स, और इस एराइल अमीन का नाम रहेगा एनिलीन, और इस अमीन का दूसरा नाम रहेगा बेंजीन अमीन। तो ये एक एग्जांपल है एराइल अमीन का। और तो अर अल्काइल अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ जो एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड है उसी एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा बेंजीन रिंग, तो यही रहेंगे एर अल्काइल अमीन्स, और इस एर अल्काइल अमीन का नाम रहेगा बेंजाइल अमीन। तो जितने भी इस तरह के अमीन होंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होगा बेंजीन रिंग वो रहेंगे एर अल्काइल अमीन्स, और जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होगा बेंजीन रिंग वही रहेंगे एराइल अमीन्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी एराइल अमीन्स रहेंगे या एर अल्काइल अमीन्स रहेंगे उनको भी हम मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और वो थ्री कैटेगरीज रहेंगी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन। तो किस तरह से हम इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में डिवाइड करते हैं? तो जो प्राइमरी एराइल अमीन रहेगा उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा केवल एक ही बेंजीन रिंग, और जो सेकेंडरी एराइल अमीन रहेंगे उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे टू बेंजीन रिंग, और जो टर्शियरी एराइल अमीन रहेगा उसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे थ्री बेंजीन रिंग। तो इस तरह से जितने भी एराइल अमीन्स रहेंगे उनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम रहेगा एनिलीन, और एनिलीन इस कंपाउंड का एक पॉपुलर नेम है, और इसका दूसरा नाम भी है बेंजीन अमीन, और इस सेकेंडरी एराइल अमीन का नाम रहेगा डाई फिनाइल अमीन, और इसका नाम रहेगा ट्राई फिनाइल अमीन। इसी तरह से जितने भी एर अल्काइल अमीन्स रहेंगे उनको भी हम
थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे हम प्राइमरी अल्काइल अमीन्स का, जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा एक अल्काइल ग्रुप, और उसी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा बेंजीन रिंग, और इस नाइट्रोजन एटम के पास मिलेंगे हमें टू हाइड्रोजन एटम, तो इसका नाम रहेगा बेंजाइल अमीन, क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका नाम है बेंजाइल, और इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन एटम। तो इसी तरह से हमें सेकेंडरी अमीन भी मिलेगा, और इस सेकेंडरी अमीन में हमें मिलेंगे टू बेंजाइल ग्रुप जो उस नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड होंगे। तो यहां पर उस नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड होंगे टू बेंजाइल ग्रुप्स, और इस नाइट्रोजन एटम के साथ मिलेगा हमें एक हाइड्रोजन एटम, तो इसका नाम रहेगा डाई बेंजाइल अमीन। और यहां पर जो टर्शियरी एरा अल्काइल अमीन रहेगा उस नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे थ्री बेंजाइल ग्रुप, और उसकी स्ट्रक्चर रहेगी इस तरह से, नाइट्रोजन एटम के साथ हमें मिलेंगे थ्री बेंजाइल ग्रुप, और इस पर्टिकुलर अमीन का नाम रहेगा ट्राई बेंजाइल अमीन। तो इस तरह से जितने भी एराइल अमीन रहेंगे उनको भी हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन, और प्राइमरी एराइल अमीन में हमें मिलेगा एक बेंजीन रिंग उस नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड, और सेकेंडरी एराइल अमीन में हमें उस नाइट्रोजन एटम के साथ दो बेंजीन रिंग मिलेंगे, और टर्शियरी एराइल अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे थ्री बेंजीन रिंग। और इसी तरह से जितने भी अर अल्काइल अमीन्स रहेंगे उनको भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अर अल्काइल अमीन्स में डिवाइड कर सकते हैं जब उस अर अल्काइल अमीन में नाइट्रोजन एटम के साथ बेंजाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो रहेगा बेंजाइल अमीन। तो अगर इसी नाइट्रोजन एटम के साथ दो बेंजाइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे तो उसका नाम रहेगा डाई बेंजाइल अमीन, अगर इस नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री बेंजाइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे तो उसका नाम रहेगा ट्राई बेंजाइल अमीन। तो इस तरह से जितने भी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स होंगे उन सभी अमीन्स को हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स में डिवाइड कर सकते हैं कि उन अमीन्स में नाइट्रोजन एटम के साथ कितने एल्काइल या एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे उस बेस पर वो रहेंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स। तो स्टूडेंट जितने भी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स रहेंगे उनको भी हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में रहेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन्स, और सेकेंड कैटेगरी में रहेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल अमीन्स। तो सिंपल अमीन्स कौन से होंगे? सिंपल अमीन्स आर दोज सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स इन विच नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू सेम एल्काइल और एराइल ग्रुप्स। तो ऐसी अमीन जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे सेम अल्काइल या एराइल ग्रुप्स वही रहेंगे सिंपल अमीन्स। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे सिंपल अमीन्स में जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ अगर दो सेम एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे तो ये एक सिंपल अमीन है और इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल अमीन, और ये किस तरह का अमीन है? ये है एक एलिफैटिक अमीन। इसी तरह से इसी नाइट्रोजन एटम के साथ अगर थ्री इथाइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे और वो एग्जांपल है एक टर्शियरी अमीन का तो ये भी एक सिंपल अमीन रहेगा और इस अमीन का नाम रहेगा ट्राई इथाइल अमीन, और ट्राई इथाइल अमीन एक टर्शियरी अमीन है और ट्राई मिथाइल अमीन एक सेकेंडरी अमीन है। इसी तरह से एरोमेटिक अमीन भी हमें सिंपल अमीन मिल सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे
दो या तीन फिनाइल ग्रुप्स। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है दो बेंजीन रिंग, तो इसका नाम रहेगा डाई फिनाइल अमीन, और ये एक सेकेंडरी अमीन है और यही एक एरोमेटिक अमीन भी है। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे बेंजाइल ग्रुप, अगर इस नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री बेंजाइल ग्रुप बॉन्डेड हैं तो इसका नाम रहेगा ट्राई बेंजाइल अमीन, और ये एक टर्शरी अमीन है, और ये एक एग्जांपल है अर अल्काइल अमीन का, और इसका नाम रहेगा ट्राई बेंजाइल अमीन। तो स्टूडेंट सिंपल अमीन वो अमीन रहेंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ दो सेम अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हों या थ्री सेम अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हों, तो वही रहेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल अमीन्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मिक्स्ड अमीन्स, और अमीन्स वो रहेंगे जिसमें इन विच द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू टू और मोर डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, और ये भी होंगी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। तो ऐसी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड होंगे दो या तीन डिफरेंट एल्काइल या एराइल ग्रुप्स, वही रहेंगे मिक्स्ड अमीन्स। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेंगे मिक्स्ड अमीन्स के लिए। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड हैं दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, और ये एग्जांपल है एक सेकेंडरी अमीन का, और इसका नाम रहेगा इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि इसमें इस नाइट्रोजन एटम के साथ दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हैं जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, तो इनका नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई टर्शरी मिक्स्ड अमीन रहेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ तीन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होंगे तो इन एल्काइल ग्रुप्स का नाम भी हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा इथाइल, फिर बाद में आएगा मिथाइल, प्रोपाइल अमीन। तो ये एक मिक्स्ड अमीन रहेगा जिसमें इस नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, और इन अल्काइल ग्रुप्स के नाम हम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये एक एलिफैटिक अमीन रहेगा। इसी तरह से हम एक एरोमेटिक मिक्स्ड अमीन लेंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ एक बेंजीन रिंग बॉन्डेड है और एक मिथाइल ग्रुप बॉन्डेड है और एक इथाइल ग्रुप बॉन्डेड है, तो ये एक एरोमेटिक मिक्स्ड अमीन रहेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है एक बेंजीन रिंग। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स का नाम भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले नाम आएगा इथाइल, फिर बाद में आएगा मिथाइल, और फिर बाद में आएगा फिनाइल अमीन। तो ये एक मिक्स्ड अमीन रहेगा जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ थ्री डिफरेंट हाइड्रोकार्बन पार्ट्स बॉन्डेड है, और इसका नाम रहेगा इथाइल मिथाइल फिनाइल अमीन। इसी तरह से एक और मिक्स्ड अमीन का हम नाम लिखेंगे जिसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है एक मिथाइल ग्रुप, और इसी नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है बेंजीन रिंग, और इसी नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है एक बेंजाइल ग्रुप। तो ये भी एक एरोमेटिक मिक्स्ड अमीन रहेगा, और इस अमीन का नाम हम लिखेंगे ये फिनाइल है, ये बेंजाइल है, और ये एक मिथाइल ग्रुप है। तो इस अमीन का नाम रहेगा बेंजाइल मिथाइल फिनाइल अमीन, और ये एक टर्शरी मिक्स्ड अमीन रहेगा, और ये एक टर्शरी अमीन है
और इसमें नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड हैं थ्री डिफरेंट हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है और एक बेंजाइल ग्रुप है, और इसका नाम रहेगा बेंजाइल मिथाइल फिनाइल अमीन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम जितने भी अमीन्स रहेंगे उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट, और उसमें रहेंगे एरिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स, और एरोमेटिक अमीन्स को भी हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अगर नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है बेंजीन रिंग तो वो रहेगा एराइल अमीन्स, और अगर किसी एरोमेटिक अमीन में उस नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है बेंजीन रिंग तो वो रहेगा एक अल्काइल अमीन। तो स्टूडेंट, जितने भी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन्स है उनको भी हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स।